क्या आप भी अरेंज करना चाहते हैं होली पार्टी और इंजॉय करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ होली की पार्टी के लिए डेकोरेशन आइडिया, जो कि बहुत ही इजी है। एंड इस डीआईवाई में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी 4 to 5 डीआईवाई, जो कि बहुत ही ईजी है। एंड आप भी अपने घर को या फिर अपने गार्डन स्पेस में इस तरह की पार्टी को अरेंज कर सके। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस डीआईवाई के लिए सबसे पहले आपको लेना है चार्ट पेपर। आप मल्टी कलर के चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे फोल्ड करके आपको उसका बनाना है फैन, जो कि बचपन में हमने बहुत सारे बनाए हैं। तो इस तरह से फोल्ड करके आपको बीचों बीच स्टेपल कर लेना है। उसके बाद इसके दोनों कॉर्नर पे आपको लगाना है फेविक ग्लू एंड इन दोनों कॉर्नर को आपको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। अगर ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो तो आप स्टेपल भी कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से दूसरा पार्ट भी रेडी करना है एंड इन दोनों पार्ट को भी आपको फेविक ग्लू से स्टिक कर देना है। उसके बाद में आप दूसरा कोई भी कलर का पेपर लेके उसमें राउंड कट करके इस फैन के बीचों बीच लगा देना है और इसी तरह से आपको बहुत सारे फैन रेडी कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इन फैंस को आपको अलग अलग साइज में रेडी करना है कुछ इस तरह से। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं सेकेंड DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने यूज किया है ये कुल्हड़। और सबसे पहले इन कुल्हड़ को हम पेंट कर लेंगे। इसके लिए मैंने यूज किया है एक्रिलिक पेंट। आप मल्टी कलर के एक्रिलिक पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इस पे स्टिक करने वाली हूँ ये कलरफुल पॉम पॉम। आप इन्हें घर पे भी रेडी कर सकते हैं या आप रेडीमेड भी परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्यूटीफुल कुल्हड़ रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कुल्हड़ को रेडी किया है। आप चाहिए तो बहुत सारे कुल्हड़ रेडी कर सकते हैं अपने कलर्स फिल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं थर्ड DIY, जिसके लिए मैंने यूज किए हैं ये प्लास्टिक के डब्बे जो घर में पड़े हुए थे। तो सबसे पहले हम इसे पेंट कर लेंगे और इसे भी पेंट करने के लिए मैंने एक्रिलिक कलर का ही इस्तेमाल किया है। अब मैंने लिया है एक पतला सा वायर एंड उस पे लगाने वाली हूँ ये कलरफुल लेस। अब इस लेस को हम इस वायर पे लपेटेंगे और लपेटने से पहले आपको इस पे अप्लाई करना है फेवी बॉन्ड एंड इस तरह से घुमाते हुए आपको इस वायर को पूरी तरह से कवर कर लेना है इस कलरफुल लेस से। आप किसी सैटिन रिबिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस डब्बे के दोनों साइड में इस तरह से हम स्टिक कर लेंगे और साइड में भी इसी लेस का इस्तेमाल करेंगे हम इसे कवर करने के लिए एंड इन बकेट का इस्तेमाल करेंगे हम बलून रखने के लिए। और इनके ऊपर मैं स्टिक करने वाली हूँ ये होली के कटआउट्स, जो कि रेडीमेड भी मिल जाते हैं। सो ये हमारी ब्यूटीफुल से बकेट्स रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं फोर्थ DIY की तरफ, जहाँ पे हम रेडी करेंगे कलरफुल बैकड्रॉप, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है ये कर्टन। ये मल्टी कलर की कर्टन्स है। इसे आपको स्टिक करने के लिए सिर्फ ट्रांसपेरेंट टेप का इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप इसे वॉल पे स्टिक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। एंड अब हम स्टिक करेंगे फैन, और फैन को स्टिक करने के लिए मैंने इसके पीछे लगाया है डबल साइडेड टेप, या फिर ट्रांसपेरेंट टेप को भी आप इस तरह से फोल्ड करके स्टिक कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इन्हें वॉल पे भी स्टिक कर सकते हैं। आपको कर्टन के टॉप साइड पे इन फैन को रैंडमली स्टिक कर लेना है छोटे बड़े साइज में। एंड अब इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ हैप्पी होली का बैनर। सो यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे का जो बैनर था उसका इस्तेमाल करके हैप्पी होली बना दिया है। सो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है सारे DIY को डिस्प्ले करने का। तो उसके लिए मैंने लिया है ये टेबल एंड इसको कवर किया है मेरे सोफा थ्रो से, जो कि पिंक कलर का था मेरे पास में। एंड फ्रेंड्स, टेबल स्प्रेड हिले ना इसके लिए उसके नीचे आपको डबल साइडेड टेप या फिर ट्रांसपेरेंट टेप को इस तरह से स्टिक कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब डिस्प्ले करते हैं सारी चीजें जो हमने DIY की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बकेट्स में फिल कर दिए ये कलरफुल बलून्स एंड कूलर में फिल कर दिए हैं बहुत सारे कलर्स एंड चाय के ग्लास पे भी मैंने ऐड कर दिए हैं बहुत सारे कलरफुल कलर्स होली के। एंड साथ ही मैं यूज करने वाली हूँ ये केतली एज अ फ्लावर वास। उसके लिए मैंने लिए है ये ओरिजिनल मैरी गोल्ड फ्लावर्स और उस पे मैं स्टिक करने वाली हूँ ये वुडन स्टिक एंड इस तरह से हम केतली के अंदर इन फ्लावर्स को अरेंज करेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। तो इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स पे स्टिक को लगा दिया है, बहुत ही ईजी है। एंड इस तरह से आप अपने सेंटर पीस, जो टेबल का सेंटर पीस है, वहाँ पे इस केतली को रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। एंड आपको ये केतली का आइडिया कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, अब रेडी करते हैं हमारा सर्विंग ट्रे, जहाँ पे मैंने बहुत सारी गुजिया, कचोरी, ठंडाई सब अरेंज की है, क्योंकि अगर होली की पार्टी है और फूड ना हो, चटपटा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। एंड इसे भी हम डेकोरेट करेंगे कुछ फ्लावर पेटल से। आप छोटे छोटे फ्लावर पेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन फूड के ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हैं, साथ ही टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। साथ ही मैंने अरेंज की है ये छाछ के ग्लास, आप चाहिए तो भांग भी रेडी कर सकते। सो ये हमारा
पूरा का पूरा डेकोरेशन रेडी हो गया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड फ्रेंड्स आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स अब तक अगर आपने होली की तैयारी नहीं की है तो फटाफट इन DIY को देखकर फटाफट आप भी डेकोरेट कर सकते हैं अपने गार्डन स्पेस, अपने टेरेस पे, या फिर आपने किसी हॉल में अरेंज किया है तो आप वहां पे भी इस तरह के डेकोरेशंस को रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये डेकोरेशन आइडिया पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स हैप्पी होली एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।